वेलकम फ्रेंड्स टू बिटोर क्लासेस। सो हम एक और सवाल आपके लिए लेके आए हैं जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और बायलैंग्वेज भी है, तो प्लीज़ सबके लिए बेनिफिशियल है। तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। सवाल हमारा ये है, 1.6 मीटर लंबा एक प्रक्षेप किसी टावर से 45 मीटर दूर है। उसकी आँख से टावर के शीर्ष तक का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। टावर की ऊँचाई कितने मीटर होगी? और बोला गया है रूट 3 को 1.732 ले लेने। 1.6 मीटर टॉल ऑब्जर्वर इज 45 मीटर्स अवे फ्रॉम अ टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई टू द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। देन द हाइट ऑफ द टावर इन मीटर्स इज रूट 3 इक्वल टू 1.732। तो इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ सवाल आप पहले दोबारा पढ़ लीजिए अगर आपको नहीं पढ़े हैं तो, क्योंकि ये काफ़ी छोटा है तो शायद समझ में ना भी आए बहुत लोगों को। तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो बोला गया है एक ऑब्जर्वर है, ठीक है, जो किसी टावर से कितने दूर पे खड़ा है, 45 मीटर पे, और इसके अपने आँख से टावर के इसका रेशियो, ये जो एंगल बन रहा है ये कितना डिग्री है, 30 डिग्री, ठीक है, और इसका हाइट जो कितना है ये 1.6 मीटर है। तो पूछा गया टावर का लेंथ निकाली, तो अगर ये 45 है तो ये 45 है, तो इसको हम लोग P पकड़ लेते हैं। तो अगर इस ट्राइंगल में हम देखेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, P बाई 45 इक्वल टू 1030, ठीक है। 10 क्या होता है, P बाई बी, ठीक है। तो P बाई बी मतलब हो गया, अगर ये 30 है तो ये वाला P होगा, तो ये P और ये हो गया B, तो P बराबर कितना आ गया, 45 गुने 1/√3। तो अगर इसे काटेंगे तो आएगा 15√3। ये कैसे आया 15√3, 45 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 15 × 3, और 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 × √3। तो अब एक √3 √3 कट जाएगा, चलिए 15√3। तो अब हमें बताया गया है कि हमें √3 का वैल्यू कितना यूज़ करना है, 1.732। तो अगर इसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 25.98। तो ये हो गया हमारा कितना, 25.98। तो अगर ये 1.6 है तो ये भी 1.6 होगा, तो इन दोनों को हमें जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए जोड़ देते हैं, तो 8 फिर 965.172, तो 27.58 हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को ट्रिग्नोमेट्री का सॉल्व करते हैं। देखिए ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन बहुत ही आसान आता है, खास करके हाइट एंड डिस्टेंस का, तो इसीलिए प्लीज़ इसे बहुत ध्यान से करें ताकि एग्ज़ाम में आपसे ना छूटे। लोग थीटा और टेन देख के इसे छोड़ देते हैं, पर ये सवाल आसान होता है, तो प्लीज़ इसे ध्यान से कर लें। सो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक इस वीडियो को पहुँचाएँ ताकि और व्यूज़ मिले हमें और हम और अच्छे वीडियोज़ आपके लिए बना पाएँ। देखने के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम फ्रेंड्स।